हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट। गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समाधगंज बाजार में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर रविवार को बुलडोजर गर्जा। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के टीन शेड चार दीवारी को बुलडोजर से ढहाने के साथ पक्के फर्श को तोड़ दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क चौड़ीकरण हेतु सीमांकन पर दुकानों व घरों पर लाल निशान लगा दिया गया था। इसके साथ ही लाल निशान के दायरे में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उनको सूचित कर दिया गया था कि वे अतिक्रमण हटा लें, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। सड़क निर्माण के ठेकेदार द्वारा रविवार को थाने पर सूचना दी गई तो पुलिस के साथ काम करने वाले सहयोगी दिन में लगभग 11 बजे बुलडोजर लेकर अतिक्रमण करने वाले टीन शेड व चार दीवारी के साथ पक्के फर्श को भी तोड़ने लगे। इस दौरान बाजार वासियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाने वाले कर्मचारियों ने कहा कि अभी पक्के मकानों व दुकानों को नहीं तोड़ा जा रहा है, एक हफ्ते का समय दिया जाएगा कि वो अपने तरीके से अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। लगभग एक घंटे के बाद बाजार वासियों ने विरोध कर काम रोक दिया। उनका कहना है कि बारिश का समय नजदीक है, तोड़फोड़ हो जाएगी तो पानी का निकासी कैसे होगा। अतिक्रमण हटाने वाले कर्मचारियों ने सूचना उप जिलाधिकारी मछली शहर को दी है। क्या नाम है आपका? नेपाली। नेपाली, ये बताइए कौन सा ग्राम सभा है ये? पूर्णी। बाजार का क्या नाम है? समाधगंज। क्या मामला है, कैसे टूटा फूटा हुआ है, बुलडोजर कैसा चल रहा है? ऐसा न कोई नोटिस है, न कुछ है, न एप्लीकेशन कुछ दिए हैं, बस आके डायरेक्ट तोड़ है। क्या कह रहे हैं? तोड़ना चाह रहे तोड़िए खूब, लेकिन पहले मुआवजा पूरे मार्केट में मिलना चाहिए और समय पे इनको सुरक्षा देना चाहिए। जिसके पास 10 मिनट का टाइम नहीं और चले गए धूप में तोड़ेगा, और सर पूरा जान लीजिए नाला पे है, आप पहले तो बनवाना मत दीजिए, और जो बना है उनको एप्लीकेशन दीजिए और जिसका बना है उसका मुआवजा देना है, स्वीकृत कर दिए जी। ये नहीं बस आप पहुँचे बस बुलडोजर चला दीजिए किसी गरीब आदमी के ऊपर, लेकिन अभी तो बारिश होगी, किसके घर में रहेंगे? योगी जी के। 3 दिन पहले जो बात हुई थी जी, वो तो मार्का मार के गए थे, कुछ मार्का और को मारे थे क्या? मार्का सब मारे हैं ठीक है, लेकिन करकट हटाने की बात हुई है। पूरी तरह से मार्का भी कहीं नहीं लगा हुआ। हाँ बताइए, पूरी तरह से कहीं सीमांकन नहीं हुआ है, कहीं ज्यादा ले रहे हैं कहीं कम ले रहे हैं, किसी को मालूम है, किसी को नहीं पता है कि मेरा कितना जा रहा है। लेकिन जो जेसीबी वाले हैं जो अभी अतिक्रमण हो रहा है जी सर, वो थाने पे गए थे, बताए थे कि जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ वहाँ मार्का किए हैं, प्रशासन का सहयोग चाहिए। ऐसी बात थी कि ये लोग अनाउंसमेंट किए थे कि जितना भी पत्रा लगा हुआ है जो नाली से सड़ के अतिक्रमण है सब हटा लिया जाए। लोगों ने हटा लिया, कुछ लोगों ने नहीं हटाया था, उसके लिए भी लोग कहे भाई ठीक हम हटा ले रहे हैं। ये नाली से हट करके ये खुदाई कर रहे हैं, उसके लिए लोग ऑब्जेक्शन किया कि बारिश का महीना है, अभी कोई सीमांकन नहीं हुआ है, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं जारी हुई है, लोग कैसे निकलेंगे घर से बाहर? तो आपने आपने उनको ऐसा कहा? हाँ यही हम लोग। क्या कहे वो आपको? कह रहे हैं हमको आदेश है। अच्छा आदेश है जी, हमको जमीन है, आदेश है, हमको 60 फीट लेना है। 60 फीट तो एक तरफ एक बार ले चुके हैं, 30 फीट अब फिर एक ही तरफ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अच्छा खाली एक ही साइड ले रहे हैं उधर? नहीं दोनों साइड, अगले बार तो एक ही साइड लिए थे। अच्छा अभी दोनों साइड चल रहा है, अभी दोनों साइड तोड़ रहे हैं, अब लेंगे क्या करेंगे नहीं जानते कोई, लेकिन सर मुआवजा मिलना चाहिए हमारे ग्राम सभा। अरे किसी का रहने का भी ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएगा? बेरोजगार है, कहाँ जाएगा? रहने के लिए भी जगह नहीं है, वो कहाँ जाएगा? बेघर हो जाएगा वो, किसी को कहाँ जाएगा? इस बारिश में सामने बारिश है, इतना चिलचिलाती धूप है, वो कहाँ जाएगा?